एक बहिर्मुख इंद्रिय, बहिर् इंद्रिय विषय और अंतर इंद्रिय दोनों का साधन होता है। अंतर इंद्रिय साधन होता है जब मन को हम विषय चिंतन से हटा करके वहाँ भगवत चरण में सन्निवेश करने के लिए हमारे अत्यंतिक चेष्टा, यह है मानसिक साधना। और बहिर् साधना है पास ज्ञानेन्द्रिय और पास कर्मेन्द्रिय। पास ज्ञानेन्द्रिय का साधना क्या है, न चक्षु के द्वारा दुनिया का रंग तमाशा देखते, नहीं इसका साधना क्या है, नहीं रंग तमाशा नहीं देखेंगे हम तो, वह साधु संग भगवत दर्शन तीर्थ दर्शन ऐसा देखेंगे और बाकी कुछ नहीं। ग्रंथ अध्ययन करेंगे, आंख के द्वारा ही काम अध्ययन करते हैं, शास्त्र अध्ययन करेंगे जब मन नहीं लगेगा। लेकिन ये दुनिया के रंग तमाशा ये बड़ा खतरनाक है। ये टीवी में एक एक झलक ऐसे ऐसे आता है, कभी कभी हम तो देखते नहीं लेकिन कभी कभी रास्ते में चलते चलते भी एक झलक दिख जाता है। हम लोग बचपन में फिल्म तो देखे हैं लेकिन ऐसे गंदा तो हम लोग तो कभी चिंतन भी किया नहीं। झलक ऐसा हम सोचते हैं जी अभी इतना गिर गया है समाज जीवन, इतना नीचे आ गया, हम लोग चिंता के अगम में है। हम लोग भी सिनेमा देखे एक समय नहीं, हमारा अभी 74 साल उम्र है लेकिन ना जब 25-30 साल उम्र था, 25 साल उम्र था, 20 साल उम्र था तो उस समय हम भी देखे, उतना नहीं ज्यादा नहीं फिर भी देखे हैं। लेकिन हमारे उस समय समाज जीवन में ऐसे गंदा दृश्य, सामाजिक जीवन में जो विकृति, इंद्रिय विकार और उसको चरितार्थ करने के लिए जो विकारग्रस्त मानसिकता संपन्न जो प्रस्तुति जो दिखाते हैं, ये हमारे चिंता के अगम्य है। सभ्य जगत में ऐसा होता है, ये हमारे धारणा का अगम्य है, ऐसा है। तो एक झलक तुम्हारा बहुत दिनों का साधन भजन के लिए तुम्हारे जो मानसिक चेष्टा उसको समाप्त करने में बहुत है। एक झलक घूमता रहेगा, दिमाग में घूमता रहेगा, जो कभी उस संपर्क में गया नहीं, जब वो कल्पना भी कर नहीं पाते हैं, जिसके मन में ऐसे इच्छा भी नहीं समाज जीवन ऐसे दृश्यमान वस्तु पदार्थ से दूर रखते हैं अपने आप को, उसका दिमाग घूमता रहेगा उसी को कम से कम कुछ दिन, 2-4 दिन। हमने एक बार ये देखा जो भाई महाभारत आता है, अच्छा सुना है बहुत सुंदर, चलो भाई महाभारत देखेंगे। तो एक दिन हम गए हैं देखने के लिए, आज चलो दिन द्रौपदी वस्त्र हनन चल रहा था, देखा तो। लेकिन एक महीना हमारा मन एकदम दूषित हो गया, भजन करते हैं मन में ऐसा कोई खराब चिंता नहीं गंदा चिंता नहीं, लेकिन मन ही दूषित हो गया। मतलब प्राकृत तो विषय प्रस्तुति तो लिया है धर्म का आधार, लेकिन वहां तो है तो प्राकृतिक वस्तु का ही एक प्रस्तुति है, वहां क्या दिख रहे हैं। तो ऐसे ऐसे समाज जीवन में दिखने में आता है। इसलिए ये आंख का साधन क्या है, नहीं ये दृश्य से अपने को रोक करके उसको भगवत विषय में लगाने का चेष्टा। कान के द्वारा दुनिया का रंग तमाशा नाना रकम वार्ता सुनते हैं, ग्राम्य कथा ग्राम्य वार्ता, यह है ये कान के इंद्रिय के विषय, उसको हटा करके भगवत उन्मुखी करो, हरिकथा श्रवण करो, हरि कीर्तन श्रवण करो, जैसे यहाँ आए हरिकथा श्रवण कर रहे हो, साधु संघ में हरिकथा श्रवण करो, अगर ऐसा नहीं हो तो दूर रहो। ये कान के साधन है, जीवा का साधन है उल्टा पाल्टा खाना, जो खाना खाने से हमारे शरीर विकार ग्रस्त हो सकता है, हमारे बीमार ग्रस्त हो सकते हैं, उसमें हमारा भजन नष्ट हो जाएगा। जैसा अन्न ऐसा मन, राजसिक अन्न खाने से राजसिक बुद्धि होती है, तामसिक अन्न खाने से तामसिक बुद्धि होती है, सात्विक अन्न खाने से सात्विक बुद्धि होती है, इसीलिए अन्न दोष उससे बचे रहना, यह है जीवा का विषय। त्वक का विषय स्पर्श दोष, स्पर्श जैसे स्पर्श संबंध तद अनुसार ऐसे ही विकार होता है हमारे भीतर, अलग अलग संपर्क के अनुसार अलग अलग स्पर्श दोष, इससे बचे रहने इसके साधन का विषय यह साधना है, ये साधा। और मानसिक साधना यह कायिक साधना,
और हस्त बद वाक पाई उपस्थ, यह है बहिरिंद्रियो। ये ठीक है, मन भग जाए मन को जाने दो, लेकिन इंद्रियो नहीं भागे, ऐसा प्रतिज्ञा करो। हम इंद्रियों के द्वारा जो हमारे लिए निषिद्ध है वो वस्तु हम सेवन नहीं करेंगे, प्रतिज्ञा करो। प्रतिज्ञा करना, मन तो भागेगा, मन का कोई दोष नहीं है, वो स्वभाव है उसका, अनादिकाल का स्वभाव है। चेष्टा करके भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो क्या करेंगे, बस ये बहिरिंद्रिय को संयम करने का कोशिश करो। इंद्रिय प्रतिज्ञा करो, हम इंद्रियों के द्वारा, हमारे यहाँ रसगुल्ला आया तो हम हाथ से उठाएंगे खाएंगे तो अपना भीतर जाएगा, जब तक हम मुंह में नहीं देते हैं तब तक खाना नहीं खाना, उसको खाने का रस हमको कैसे मिलेगा, है? हम खाएंगे ही नहीं, प्रतिज्ञा हम खाएंगे नहीं। तो यह है हाथ का साधना, पाम का साधना, कहीं जाना है हम जाएंगे नहीं, चलो प्रतिज्ञा हम जाएंगे नहीं। तो ऐसे इस तरह से बाह्य इंद्रिय अंतर इंद्रिय इसको संयमन करके भगवत चरण में संलग्न करने के लिए जो चेष्टा, इसको कहते साधना, इसको कहते साधा। ये जो कर लिया वो साधु, वह साधु, साधु शब्द का ये माने है, साधु शब्द का ये माने नहीं जटा जूट धारण कर लिया हम जैसे ढोंगी, ऐसा नहीं ऐसा नहीं, ये दिखावा नहीं है। हाँ ये तो एक लक्षण है, देख करके हम पहचान करते हैं ये साधु है, ये साधन कर लिया है, अंतर इंद्रिय संयम बहिरिंद्रिय संयम ये कर लिए है, कर चुके हैं, इसलिए ये साधु वेश धारण किया है, नहीं तो साधु वेश धारण करने का अधिकार नहीं है। जिसका मन में ये सब वृत्ति है नहीं, साधुता है नहीं, साधन यज्ञ उनके इंद्रिय वृत्ति है नहीं, अंतर इंद्रिय बहिरिंद्रिय संयमित है नहीं, उसको ये पोशाक धारण करने का अधिकार है नहीं। सीधा बात, ये अधिकार अधिकारी होना चाहिए, तभी जाके वो अधिकारी बनता है। काम क्रोध विहीना जो हिंसा दम्भ विवर्जिता लोभ माह विहीना त्यागे वैष्णवा जाना। कौन वैष्णव है? तिलक धारण करने से, हाँ ये तो लक्षण है, लेकिन ना काम क्रोध विहीना जे हिंसा दम्भ विवर्जिता, समझ में आता है, है? लोभ मोह विहीना जा ते गे वैष्णव जाना, उसको जानना तुम वैष्णव। ये साधना, ये साधना जिसने कर लिया वह है वैष्णव, वह है उत्तम वैष्णव, वह है अधिकारी वैष्णव। उसके मुख से शब्द सुनने से वो शब्द क्रियाशील होती है, उसके द्वारा जगत का कल्याण होता है। नहीं तो कोई साधनहीन भजनहीन जो अनुभवहीन जिस प्रस्तुति नहीं जिसे योग्यता नहीं अधिकार नहीं और बड़े बड़े शब्द करते हैं, ये शब्द के द्वारा किसी का कल्याण करना संभव नहीं है, किसी का अंतकरण की परिवर्तन लाना संभव नहीं है। तो ये साधु आप भी बन सकते हैं, अगर भगवत भजन करना चाहते हैं तो आपको ये साधु माने हम जो कहा इंद्रिय संयम, जो साधा सो साधु, क्या साधा ना अंतर इंद्रियो और बहिर इंद्रियों को संयमित कर लिया, अगर नहीं किया कर पाया तो क्या करेंगे हम, पानी में डूब के मरेंगे, क्या करोगे? हमको कोशिश करना पड़ेगा, हमको चेष्टा करना पड़ेगा। कम से कम इतना करो, अंतर इंद्रिय तुम्हारा भागता है, विषय कारण में रमन करता है, विषय से निवृत्त होना बहुत कठिन बात है, चेष्टा करके भी तुम विषय से मन को निवृत्त करने में समर्थ नहीं हो, उस स्थिति में दर्जा बंद करके एकांत में रहो, एक नंबर दो नंबर प्रतिज्ञा करो, हम इंद्रियों के द्वारा हम विषय सेवन नहीं करेंगे। अगर हमारे सामने विषय आ जाए तो विषय हम सेवन, हम इंद्रियों को चलायमान नहीं करेंगे। मान लो हमारे सामने राजभोग खाने दिया, हमारा शुगर है, खाने से शुगर बढ़ जाएगा, अब खाने का मन कर रहा है, जब ये आज एक राजभोग खा ले हमारा मन खूब खूब हो रहा, ये हो सकता है होगा, तो क्या करेंगे? प्रतिज्ञा हम छुएंगे नहीं, अगर हमने छू लिया तो कोई प्रतिज्ञा कर लो, ऐसे हम सौगंध खाते हैं गुरु जी का चरण छूके, हम स्पर्श नहीं करेंगे, ऐसा प्रतिज्ञा। बहिरिंद्रिय संयम, अंतर इंद्रिय संयम तो पीछे होगा, पहले बहिरिंद्रिय संयम
करने के लिए कोशिश करना चाहिए। जो वस्तु निषिद्ध वस्तु है, जो वस्तु हमारे इंद्रिय विकार के कारण होता है, जो वस्तु सेवन से हमारे भजन में बाधा हो जाती है, ऐसे स्थिति में उस वस्तु हमारा मन भागता है उसको सेवन। एक महीना, 20 दिन या 1.5 महीना, 2 महीना बिल्कुल संयम से चल जाते हैं, लेकिन उसके बाद एक प्रवृत्ति की थोड़ा सा अगर बहिर्मुखता में जाएं तो ज्यादा प्रभावित हो जाता है, प्रभावित नहीं होंगे। मन तो सोचता है कि इससे कोई फर्क थोड़ी तो, इसीलिए श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं जे मन को कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, ये इतना निमखरा बेईमान है। ये संसार में अगर कोई बेईमान है वो है हमारा मन। अगर हमको सबसे कोई वंचित किया है वो है हमारा मन। अगर हमको 84 लाख जोनि में कोई भ्रमण कराने का कारण है वो है हमारा मन। इसीलिए श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं खबरदार, हाँ ठीक है तुम्हारा विश्वास है भरोसा है, हम तो बहुत ठीक है अच्छा है, हमारे मन में ये विकार पुकार को सह नहीं, हमारा मन तो मतलब गारंटी नहीं, खबरदार खबरदार उसको छोड़ नहीं देना, उसको बंद के रखना। कब तक? जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती है तब तक। जिस दिन भगवत प्राप्ति होती है होगी, ठाकुर जी जिस दिन साक्षात दर्शन देंगे, जिस दिन हमारे जड़ चेतन ग्रंथि खुल जाएगी, उसी दिन हम मुक्ति पद प्राप्त करेंगे। ये मतलब ये ग्रंथि खुल जाएगी, फिर हमको कोई हमको दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ तो कोई भी वस्तु हमको किंचित समय के लिए भी आकर्षित करने में समर्थ नहीं हो सकता है, असमर्थ हो जाएगा। उस दिन तक तुमको ये मन को पकड़ के रखना है। ये बड़ा बेईमान, अगर कोई बेईमान है हमारे सबसे बड़ा दुश्मन है तो वह है हमारे मन। अगर कोई मित्र है तो कौन है? ये मन। ये मन जब भगवत चरण में लगता है, भगवत उपासना करता है, हमको प्रेरणा देता है, तो ये मन होता है हमारा सबसे बड़ा मित्र। और ये जब बहिर्मुख विषय में आकर्षित होकर भोग वृत्ति में भागता है, धावित होता है, ये मन होता है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। इसको इसीलिए बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, दुष्ट ये बड़ा दुष्ट है। हर समय नजर रखो कहाँ जाते हैं, क्या चाहता है, जब देखता है जब ना ये तो इसका टारगेट तो अच्छा नहीं है। अफ्रीका में ना एक वृक्ष है, अफ्रीका में तो बड़े विशाल जंगल, तो विश्व का तो सबसे बड़ा जंगल एक था अमेजन जंगल, हमारा साउथ अफ्रीका में, और एक है तुम्हारा ये अफ्रीका जंगल। माने ऐसा वृक्ष है, वो वृक्ष के नीचे से जो भी जाता है तो इतना एक सुगंध आता है, माने पागल कर देता है, उसके साथ साथ एक नशा जैसे, तो कोई भी यात्री जानता नहीं है, वो उसमें मोहित हो जाता है। सुगंध भी सुगंध नहीं, वो जहर अनुपरमाणु कण जो है ना भीतर प्रवेश करके धीरे 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 तुम्हारे इंद्रिय वृत्ति को शिथिल कर देगा, धीरे धीरे उसका नशा लगता है, कितना सुंदर एक आनंद सा लगना शुरू हो जाता है। तो धीरे धीरे वो क्या होता है, वो विवश होकर पेड़ के नीचे बैठ जाता है। पेड़ के नीचे जब बैठ जाता है तो धीरे धीरे नशा और छा जाता है, फिर जाके उस वहां सो जाता है तो सब समाप्त हो जाता है। वो सब जहर है, गंध जैसे अमृत जैसे सुंदर लगता है, लेकिन वो अमृत नहीं जहर है, वो पता नहीं चलता है। जो जानता है वो क्या करता है, वो गंध आने का साथ वहां से भागेगा, यहाँ से भागो जल्दी, ये गंध इतना खतरनाक है। अगर अधिक समय ये सुगंध तुम्हारे भीतर पहुंच गया, अगर तुम्हारा नशा तुमको छा गया तुम्हारे दिमाग में, तो फिर छोड़ना मुश्किल है, तुम्हारे जीवन को समाप्त कर देगा। चेष्टा करके भी तुम वहां से भाग नहीं सकते हो। संसार भी ऐसे ही जहरीला पेड़ है, जहरीला नशा युक्त एक भोग वृत्ति के कारखाना है, इंडस्ट्री है। इस तरह से जीव को फंसा करके इस तरह से जन्म मृत्यु चक्कर में ले जाता है,
समझ नहीं पाता है ये जहरीला पेड़ है, अफ्रीका जंगल को जंगल जैसी है हमारी ये भोग वृत्ति जो संसार है, जानते हो ऐसा कौन शिक्षा देगा? अभी आधुनिक जो शिक्षा व्यवस्था है वो सुनेगा तो कहेंगे ऐसा पागल है, पागल का बात है। अरे इससे ज्यादा आनंद, अरे इतना सुंदर सुगंध, इतना सुंदर नशा उनको कौन समझाएगा, कौन समझाएगा ये जहर है बताओ? पता चलेगा मृत्यु के समय। जय जय श्री राधे।